بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد صدق الله العظيم. मेरे मुस्तफ़ा का ज़रा आस्ताने पे आकर तो देखो, बड़ा आस्ता है मेरे मुस्तफ़ा का, ज़रा आस्ताने पे आकर तो देखो। हवाएं फिजाएं मुअत्तर मुअत्तर, वो रोज़े का मंजर वो जब रूह परवर, तुम्हें काबा आएगा देने सलामी, इन्हें अपना किबला बना कर तो देखो। बड़ा आस्ता है मेरे मुस्तफ़ा का, ज़रा आस्ताने पे आकर तो देखो। ये छुप छुप के रोना, ये बेहाल होना, जिगर थामना दर्द सीने में होना, समझ लो कि तुम आशिकों का तड़पना, कभी दिल नबी से लगा कर तो देखो। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मोहतरम? अमजद हुसैन। आपकी तालीम? बीएड। कितना स्कूल का नाम? पंजाब मिडिल गर्ल्स स्कूल आसल सुलेमान। तो कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह इस स्कूल को आपने तो देखा? तकरीबन 5 से 6 साल हो गए माशाल्लाह। तो किस तरह शौक हुआ इस फील्ड में आने का? ख़ानदानी थी फील्ड? नहीं, ख़ानदानी फील्ड नहीं थी। मेरी वालदा यानी कि उसकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा यानी कि ना स्कूल कोई गवर्नमेंट टीचर बने, तो वालदा यानी कि 2005 में वफात पा गई। उसके बाद तकरीबन मैं पढ़ता रहा और फिर भाई था एक, उसने यानी कि स्कूल खोला हुआ था, तो वो उसके साथ यानी कि उसने कहा कि आपने यानी कि बच्चों को पढ़ाना है मेरे साथ। फिर भाई यानी कि पीछे हो गया, ठीक है, वो उसने स्कूल जो छोड़ दिया और फिर मैंने यानी कि स्कूल चलाना शुरू किया। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि एक अच्छे उस्ताद के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? एक अच्छे उस्ताद के लिए बच्चों को यानी कि पढ़ाना, उनको यानी कि अच्छी तरह गाइड करना, उनकी अच्छी तरबियत करना, उनको टाइम पे यानी कि वक्त पे यानी कि हर काम करने के लिए वक्त का पाबंद करना। कोई पैगाम दें बच्चों के वालदैन को? बच्चे के वालदैन को ये पैगाम है कि उनको अच्छा यानी कि अच्छा यूनिफॉर्म उनका यानी कि साफ़ सुथरा हो, यानी कि उनको वक्त पर यानी कि स्कूल भेजें, और बच्चों को कुरान पाक की यानी कि तालीम की तरफ भी रागिब करें और दुनियावी तालीम की तरफ।